फाइनली आज मेरा लास्ट डे है बी प्रेगनेंट का. इस बाद मैं प्रेगनेंट नहीं रहूँगी. और सो 39 वीक्स तो ऊपर टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट. जो मेरा ड्यू डेट 5 दिन सी, लेकिन डॉक्टर ने मैंने सजेस्ट किया है कि मैं एडमिट होना चाहिए अज. और आज है 2 नवंबर. और 2 नवंबर में मैं पहले हॉस्पिटल गई सी. हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर ने मेरा चैकअप वगैरह किया. NST की नॉन स्ट्रेस टेस्ट तो वह भी ठीक सी. लेकिन डॉक्टर कहें कि आप अज कि मेरे पेन जिदा स्टार्ट हो नहीं सी. तो डॉक्टर ने कहा कि तुम एडमिट हो जाओ. तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आर्टिफिशियल से इंड्यूस करेंगे. और इसलिए हूँ मैं डॉक्टर छाटिया से. मैं क्या ठीक है तो डॉक्टर जिदा डिसीजन है क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा पता होंगे कि करना कि नहीं करना. सो उस तो पहला हूँ मैं समान समून थोड़ा पैक कर लिया जिदा कि हूँ मैं जाने पूरी तैयार हाँ. इस टाइम मेरे इमोशन इदा कुछ भी नहीं है. ना कोई एक्साइटेड है ना कोई नॉर्मल हाँ. मैं बिल्कुल थोड़ा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ नाइट नाउ क्योंकि टाइम भी 9:30 होने वाले हैं. तो असं हल्ले निकलना है. और मैं ये सोच रही हूँ कि रस्ते में ना मैं कुछ स्नैक्स वगैरह लेने में चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक कुछ पीने लिए वो लेना. वैसे उत्थे हैगा अवेलेबल काफ़ी चीज़ा लेकिन जिमें कैंटीन वगैरह हैगी है. लेकिन मैं अपने कुछ जो मनपसंद चीज़ा लै कहने कि उत्थे कुछ लिमिट भी चीज़ा ने कि कई नहीं मिली. सो मैं हूँ अपना समान लैन लगी हाँ. सो पहला मैं जो समान खिला रहा है ये चक जाऊँगा आके मैं रहेगा. तो मैं चक ली बैग और देखती हाँ इस तो बाद जिमें अगर मैंने इंड्यूस कर दिया मैंने किन्नी पेन होंगी है. इस टाइम पर नॉर्मल लग रहा है. उस तो बाद देखूंगी कि एक्चुअल दे विच की होंगे क्योंकि मैं ये भी नहीं है कि हाँ मैं बहुत डर रही हूँ मैंने क्या पर बिल्कुल नॉर्मल हाँ. जो भी होगा देखी जाऊगी पेन होगी तो होनी ही है. हूँ की कर सकते हैं मतलब पेन तो करानी है आप तब बच्चे ने बाहर आना. सो मैं बैग अपना पैक कर लिया होया ऑलमोस्ट. तो मैं फोटोज़ खिंचाने लिए भी कुछ चीज़ा रेडी कर लिया हुई हैं जिदा कि रॉब वगैरह और बेबी के भी कुछ कपड़े वो मैं फोटोज़ दिखाऊंगी. ओह माय गॉड ज़िप भी नहीं बंद हो रही बैग की. समान ज़्यादा हो गया लेकिन असं कार रख लाँगे जो सूँ जो जो लौड़ पेगी असं इन बैग में लै जाएंगे उस टाइम पर सूँ रूम के शिफ्ट कर देंगे. सो तद तक मे बी यदि लौड़ हले ना पे. और मेरे हले बैग पैक करन तो बाद कुछ कपड़े बाहर पे हैं और मैं हैरी के बैग सॉरी ये मैं लैके लेना ये मैं हैरी के बैग के पा दूंगी इन्हें. सो मैं थोड़ा मिलती हाँ. और एक चीज़ होर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने याद आई कि जिदा असी की किया मैं और हैरी ने असं डिसाइड किया कि असी वैसे ज़्यादा हैरी ने डिसाइड किया कि असी जोड़ा बच्चे का ना सब बॉर्न टाइम है वह नोट नहीं करना ताकि जो बच्चा है अगे अगे वहमा वर्मा च ना पाए जाके अपने दूध दिखाए कि मेरा टाइम ये मेरा बर्थ डेट ऑफ बर्थ ये डेट ऑफ बर्थ जरूर होगी पर टाइम नहीं वो है. और असी ट्राई करेंगे कि असी फोन उस टाइम ऑफ कर दिए और उन्होंने असं असं हॉस्पिटल गल कर लिया वो सर्टिफिकेट टाइम नहीं लिखेंगे और दूसरा टाइम नोट भी नहीं करेंगे. बट फिर भी असं बिल्कुल ट्राई करेंगे कि फिर भी असं उन्होंने दोबारा बोलेंगे रिमाइंड करावे कि असी टाइम नोट नहीं करना है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि वहम भरम चो कभी ना कभी असी नहीं करते लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि माइंड च आ जाए. मैं भी आ चीज़ करनी कई बार किसी देखा देखी बंदा करन लग जाता इसलिए वो असी रस्ता ही बंद करते हैं वहम भैम ना कर. सो एक साडा मतलब फस्ट स्टैप है जो असं वहम भैम भरम हटाने लिए कर रहे हैं जो कि असं अपने आप तो कर रहे हैं मतलब कि अपने तो ही स्टार्ट कर रहे हैं. किसी को नहीं कह रहे तुम वहम भैम भरम करो या नहीं करो असं अपने आप तो स्टार्ट कर रहे हैं. असं अपनी लाइफ इंप्लीमेंट करके उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं. सो मैं हूँ जान लगी हाँ और रस्ते भी जाते हुए मे बी मैं कुछ बाय करा और मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं दिखूँगी मैं की बाय करती हूँ. बाय बेबी है ये मेरा फर्स्ट बेबी है और मे बी लास्ट ते नॉट श्योर. सो इसलिए वैसे तो मैंने कोई हले डर डुर तो है नहीं है और बाकी देखो कि होंगे डर नहीं है मतलब इदा थोड़ा नर्वस जहा फील होंगे कि मतलब वैसे मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि की होएगा. मैं हले जस्ट तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ इदा लग रहा है कि बस हाँ जा रहे हैं मैं मतलब मैं ये भी फील नहीं कर रही कि असं जा रहे हैं और बच्चा लगे होंगे हले तो फील नहीं आ रही.
अच्छा तो फिर किदा लग रहा है फिर? अच्छा जो मेरे जड़ा वीडियो बना रहे हैरी माय हस्बैंड हैरी ये वीडियो बना रहा है तो मेरे नाल बीच बीच प्रसाद बनता रहेगा और मैं नाल थोड़ी देर सफाई करती रहनी ताकि टाइम घट है और नाल काम भी हो जाएगा और वीडियो बन जाएगी। सो हैरी मेरा साथ बनता रहेगा और हैरी की रिस्पोंसिबिलिटी है कि जेडी वीडियो बनानी है वो मेरे जलूस ना कटे प्लीज़। अच्छा नहीं कर ओनु चंगी तरह बनाई ताकि अच्छी वीडियो बनाई जुलूस वाली वीडियो ना बनाई ते ना ना नहीं अपन मैं बिना मैं होता का उन्ना मैं उन्ना कर थोड़े की ना थोड़े व्लॉग दी क्वालिटी ने मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। सो मैं ऑलमोस्ट और मैं आज सर्दी वाले कपड़े पाके फोटो की चाहिए ताकि मैंने थोड़ी जी विंटर विच मैं प्रेगनेंट होऊंगी नहीं ताकि मैं फील ले लूं वाली विंटर प्रेगनेंट वाली। सो मैं स्वेटर पाके फोटो की चाहिए कुछ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪੇਨ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੇਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੇਨ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿ 9:34 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਓ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਰ ਕਿਉਂ? ਓਨਲੀ ਹੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੋਲ ਲੇਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਰਡ ਕੱਢੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੈ ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਣੇ ਸੁਣੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 10 ਵਜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਮਾਸ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ ਲੌਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੇਰੇ ਸੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਸੇ ਵੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨੇ ਸੇ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 24/7 ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸੌਰੀ 5 ਹੁੰਦਾ ਗਲਾਸ 10 ਦਾ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ
और मैं जा रही हूँ अंदर और मैं बिल्कुल भी मैनू कोई वो नहीं है इमोशन इस टाइम कोई नहीं सो सो आई एम करोना नेगेटिव कि मैं खा सकती हाँ मेरा हक है खांसना क्योंकि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और दूसरी गल है ये मेरा रूम है इधर तो हम सो ये मेरे आज आउटफिट है जो कि आउटफिट ये भी जी आउटफिट होती है गाउन पाया मैं गिरन जी भी वैसे मैंने पता क्यों मैंने वधिया नहीं लग रहा बट लेकिन थोड़ी देर बहूंगी फिर अपना कपड़े चाहूंगी और बच्चे ना लेके सो ये अल्ट्रासाउंड जेल सो अल्ट्रासाउंड मशीन सारा कुछ अवेलेबल है और हाँ वह रूम टूर करते हैं सो मेरे ये रूम स्टार्टिंग तो इतना इतने वॉशरूम है और मैंने वॉशरूम भी दिखानी है वॉशरूम काफ़ी क्लीन है बहुत ज़्यादा तो काफ़ी क्लीन है वॉशरूम टॉयलेट वगैरह जितना कि सीट वगैरह काफ़ी क्लीन है और इन्होंने जिमें कि टॉयलेट्रीज भी दी हुई हैं जिमें ब्रश हो गया सोप हो गया वगैरह वगैरह तो यही मैं और मेरे ने ब्लड टेस्ट लिता सो थोड़ा दर्द होया सी लेकिन एनी हाँ फिर उस तो बाद हो गया शावर शावर लैन वाला एरिया ओके सो यह वॉशरूम ये बेबी ले जो भी बच्चा होगा ये पा के लेके आएंगे पर्पल कलर च ये नाइस है मैंने बहुत अच्छा लगे कि ट्रांसपेरेंट है ये मैं चीज वी लगी कि ये कलर नहीं है सो आई लाइक इट सो ये मेरा बैड है बैड नाम मेरा फोन लग्या हुआ है टेबल है और एक चेयर होगी टीवी लग्या हुआ टीवी ना टीवी देख लो और यह रहा इतने हैरी सोएगा ये हैरी काउच है टाइम का यह हिसाब है कि इतने कोई क्लॉक नहीं हैगी मतलब कि जो अभी चाहते जो असी डिसाइड किया कि असी टाइम नहीं देखना फोन असी ऑब्वियसली ऑफ कर देंगे उस टाइम अच्छा। स्टेटस में दस हां मैं पूछने लगा सी स्टेटस यस स्टेटस ये है कि हुन जे मैंने मेनू घंटा इन्होंने हार्ट बीट वगैरह चेक की वगैरह वगैरह और ब्लड टेस्ट लिते मेरे मेरे थोड़ी हल्की दर्द भी हो रही है ये जड़ी चलो एने तो होएगी तो स्टेटस ये कहें कि 4 बजे तक वेट करेंगे कि नैचुरली की होंगे कि पता मैं नैचुरली ही लेबर मतलब पेन स्टार्ट हो जाए लेबर पेन लेकिन जे 4 बजे तक नहीं हुए फिर मैं इंड्यूस करेंगे और उस तो बाद मैं हल्का जहाँ इंड्यूस करेंगे फिर चेक करेंगे कि कितनी प्रोग्रेस है मेरी उस तो बाद बाद मैं देंगे ये कि कहते हैं फिर हो जाता मतलब कि दवाई देंगे ता कि हो जाए इंड्यूस होए हो जाए इंड्यूस होए सो ये सब प्रोसीजर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਥਿੰਗ ਵੈਸੇ ਬੈੱਡ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਕਿ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਸੂ ਲਓ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਹੈਰੀ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂੰਗੀ 4 ਵਜੇ ਬਾਏ ਬਾਏ